हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज मैं आपको सोरासिस के बारे में एक ऐसी टिप दूंगी, स्पेशली उनको जिनको इरिथ्रोडर्मिक सोरासिस हो जाता है या बर्न जैसा सोरासिस दिख रहा होता है। स्केल्स जो हैं स्किन के वो एकदम ब्लैक हो गए हैं, स्किन बहुत हार्ड हो गई है, एकदम काली पड़ गई है नॉर्मल स्किन टेक्स्चर से। तो जो ऐसे पेशेंट्स को जिनका सोरासिस ऐसे में डेवलप हो जाता है जिसको हम इरिथ्रोडर्मिक सोरासिस बोलते हैं, बर्न सोरासिस जिसमें स्पेशली बर्न टेक्सचर आ जाता है, उनके लिए एक टिप है मेरे लिए कि आपको जितना हो सके एक तो स्किन को ड्राई नहीं रखना, स्किन को कीप मॉइस्चराइजिंग। आपके डॉक्टर जो भी आपको ऑइंटमेंट देते हैं, ऑयल देते हैं, आप उससे अपने स्किन को मॉइस्चराइज करते रहिए। और ये तो हुई पहली टिप कि आप उसको ड्राई नहीं रखेंगे। सेकेंड, आपको ट्राई करना है कि एक मार्केट में वाइट बटर आता है, आई होप आप उससे रूबरू होंगे, वाकिफ़ होंगे। तो वाइट बटर जो आता है मार्केट में और हम शिया बटर के नाम से भी जानते हैं, उसको आप मार्केट से लेके या घर में भी वाइट बटर बना के, आप जो वाइट बटर नॉर्मली जो घर में बटर बनाते हैं उनको पता होगा वाइट बटर कैसे बनता है, या मार्केट से लेके उसको आप कम से कम 10 से 20 बार वॉश कर लीजिए उस वाइट बटर को। उसके बाद अपने अफेक्टेड एरिया पे, जहाँ पे आपका सोरासिस है, जो स्किन एरिया इफ़ेक्टेड हो चुका है, उस पे आप हल्के हाथ से मसाज करें और उसको लगा के छोड़ दें। इसका रिज़ल्ट एक महीने में जो आपको दिखेगा वो ये दिखेगा कि जो स्किन टेक्सचर है, जो बहुत मोटी स्किन परत जम गई है या फिर वो बर्न जैसा दिख रहा है, वो क्लियर आउट हो रहा है। क्लियर आउट होने के साथ साथ मैं बता देती हूँ कि वाइट बटर काम कैसे करता है। ये जो शिया बटर या वाइट बटर होता है, ये बेसिकली आपका मॉइस्चराइज़र का काम करेगा। जो स्किन इतनी हार्ड हो गई है, जो बहुत मोटी हो गई है, जो स्क्रैप्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब इतने टाइट हैं और इतने ज़्यादा हार्ड हैं कि वो ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं या स्लो रिकवरी ले रहे हैं, तो आप उनमें वाइट बटर हल्के हाथ से मसाज करें, क्योंकि मसाज करने से उस एरिया का सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से जो स्किन का टेक्सचर है जो पूरा ख़राब हो चुका है, वो ठीक हो जाएगा। ये आप घर पे भी बना सकते हैं वाइट बटर, या आप मार्केट से भी लेके आ सकते हैं, लेकिन आपको वाइट बटर को कम से कम 15-20 टाइम्स वॉश करना है, उसके बाद अप्लाई करना है, ताकि वो आपके स्किन को, इफ़ेक्टेड एरिया को मॉइस्चराइज भी कर दे और वो कभी ड्राई भी ना होने दे, क्योंकि वाइट बटर वो स्किन को ड्राई नहीं होने देगा और आपका जो स्किन टेक्स्चर है वो स्मूथ हो जाएगा। और मेरी आपसे ये भी दरख्वास्त है, अगर आपका सोरासिस धीरे धीरे ठीक होने लग रहा है, तो आप अपनी डाइट एकदम से ना बदलें, क्योंकि सोरासिस जब ठीक हो जाता है पेशेंट्स को, अगर वो 3 महीने बाद 4 महीने बाद दोबारा आ रहा है, दैट मीन्स आपका लाइफस्टाइल ढंग का नहीं है, आप पुराने लाइफस्टाइल पे चले गए हैं। बट आपको थोड़ी सी चीज़ें, मेजर्स लेने पड़ते हैं ताकि वो मेंटेन रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पहले नॉनवेज खाते होते थे, सोरासिस के ट्रीटमेंट के दौरान आपने नॉनवेज छोड़ दिया, सोरासिस ठीक हुआ, फिर से आप नॉनवेज उसी फ्रिक्वेंसी में खा रहे हैं, डेली खा रहे हैं, वीक में 3-4 बार खा रहे हैं, तो आप ऐसी गलतियां ना करें। अगर आपको सोरासिस हमेशा के लिए ठीक रखना है, ठीक होने के बाद भी आप चाहते हैं वापस ना आए, तो आपको ज़रूरी है कि आप, अगर नॉनवेज है या जो डाइट आप दोबारा से शुरू कर देते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड होती है, वो आप नॉर्मली महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार नॉनवेज खाएं, या अल्कोहल अगर आप डेली कंज्यूमर थे तो आप अल्कोहल भी डेली कंज्यूम ना करें, कभी वंस इन अ मंथ ले लिया। तो ऐसे धीरे धीरे जब आप ऐसे राइज होते हैं डाइट के साथ, या डाइट को फॉलो करेंगे, या वापस से पुराने ट्रैक पे आना चाहते हैं, तो धीरे धीरे आना पड़ता है। धीरे धीरे भी आपको एकदम से फ्रिक्वेंसी नहीं बढ़ानी है, और कभी भी फ्रिक्वेंसी नहीं बढ़ानी है, क्योंकि आपका लिवर जो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट कर रहा है वो वापस से एक्यूमुलेट करने लग जाएगा बॉडी में, और सोरासिस दोबारा आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं ये मेंटेन्ड रहे, तो थोड़ा थोड़ा आप कभी कभार टेस्ट चेंज करने के लिए खा सकते हैं, थोड़ा सा आप चीट कर सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि डेली ये मत करिएगा, इससे आपको दोबारा से प्रॉब्लम होगी। और जितना हो सके अपना ट्रीटमेंट छोड़ने के बाद आप एंटीबायोटिक्स से दूर रहें, आप एंटीबायोटिक्स ना लें, आप स्टीरोइड्स ना लें, आप हेवी मेडिसिंस कोई भी ना लें जिसके चलते आपको सोरासिस दोबारा से आ जाए। सो, ये जो टिप्स हैं आप अपनाइएगा, और स्पेशली जो इरिथ्रोडर्मिक पेशेंट्स हैं, इरिथ्रोडर्मिक सोरासिस के पेशेंट्स हैं, उनको
ये वाइट बटर वाला जो टिप है, जो शिया बटर वाला टिप है, ये बहुत हेल्प करेगा स्किन का टेक्सचर स्मूथ करने के लिए और आप अपनी रिकवरी को बढ़ा सकते हैं, अपनी स्किन को जल्दी नॉर्मल कर सकते हैं। सो अगर आपको सोरासिस है या स्किन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, विटिलिगो है, तो आप हमें फ़ोटोज़ भेजिए, मेरे नीचे दिए गए नंबर पे मुझसे मिलने आइए, मुझसे कंसल्ट करिए, मेरे डॉक्टर से बात करें, मेरी टीम से कंसल्ट करें, हमें कॉल करें और आपको हम एक परमानेंट क्योर, आपके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को रिवर्स करेंगे, आपकी सफरिंग्स को कम करेंगे और आपको एक सही गाइडलाइंस देंगे। सो आई होप आप ये फॉलो करेंगे और हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे। सो थैंक यू एंड टेक केयर।